नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 फरवरी को पुलिस लाइन केंद्र मोतिहारी में COVID-19 टीकाकरण सत्र स्थल का उद्घाटन जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक एवं आरक्षी अधीक्षक नवीन चंद्र झा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही आज जिला पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक DSP ASP अपर समाहर्ता आपदा सादिक अख्तर OSD नितेश मिश्रा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सदर DCLR सहित अन्य पुलिस कर्मियों तथा पदाधिकारियों को COVID-19 का वैक्सीन दिया गया। वहीं पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी ने कहा यह पहला टीका है और इसके बाद 28 दिनों के बाद फिर से दूसरा टीका पड़ेगा। उन्होंने कहा टीका पड़ने के 45 दिन बाद ह्यूमिनिटी बढ़ेगी और तब इस इंजेक्शन का फायदा महसूस होगा। फिलहाल अभी जो इंजेक्शन पड़ा है उससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, उन्होंने कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां सभी पदाधिकारियों के साथ आर्मी पुलिस के जवान और सफाई कर्मियों तक की यहां इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनको ये जरूर लेना चाहिए। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस विभाग के पदाधिकारी, होमगार्ड के पदाधिकारी, जेल के पदाधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिले के जोन है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और रेवेन्यू के कर्मियों को ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पे लगभग 4000 के करीब होम डिपार्टमेंट के पर्सनल है, उसके बाद 500 के करीब जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टीका लेंगे मोतिहारी में, 1100 जो है PRI से जुड़े हुए पदाधिकारी कर्मी टीका लेंगे और 1000 जो है हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारी, जिसमें सफाई कर्मचारी भी जो है इनको यहाँ पे टीकाकरण का लाभ मिलेगा। अभी ये टीका ले लिया है, टीका लेने के बाद दूसरा जो टीका है आपका जो है वो पड़ेगा 28 दिन के बाद, तो 45 दिन के बाद जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये टेस्टेड कोविशील्ड वैक्सीन है। तो सभी पदाधिकारियों को, कर्मियों को मेरी यही अपील रहेगी कि जो सरकार द्वारा ये उपक्रम चलाया जा रहा है ये सबके सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा काम किया था, जो डायरेक्टली आप कांटेक्ट में आते थे लोगों के और अभी भी आ रहे हैं, तो इसी के लिए आपको शील्ड देने के लिए जो है कोविशील्ड वैक्सीन अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको एक्सटेंड किया गया है। पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक भी मेरे साथ थे, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस में काफी जोश हमको देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं अभी ले रहे हैं और सभी विभाग के लोग भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अपर समाहर्ता DDC वगैरह लोग भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और वो भी टीका लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वहीं SP नवीन चंद्र झा ने कहा कि जिला पदाधिकारी और हमने सबसे पहले यहाँ टीका लिया है और इसके बाद जिला के सभी पदाधिकारी, सभी पुलिसकर्मी और चौकीदारों को भी यहाँ पे टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से टीका पड़ेगा। सभी पुलिसकर्मियों को टीकाकरण का आज से प्रारंभ हुआ है पुलिस केंद्र में और हमने और DM साहब ने सर्वप्रथम टीका लिया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पूरे जिले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड, सिपाही, चौकीदार और जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, लगभग 4000 से ज़्यादा हो जाएंगे सभी की संख्या, तो उन सभी को हम लोग चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे। और जैसा कि टीका लगाने के संबंध में आपने पूछा तो इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग पूर्व में भी लगा चुके हैं और आज हम लोगों ने भी लगाया है और सब कुछ ठीक है। हेलो, थैंक यू।